इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम चालू करते हैं कुछ डेफिनेशंस के साथ, जैसे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो कि जनरेट करते हैं अपनी खुद की लाइट, जैसे कि सन, जिनकी अपनी लाइट होती है। दूसरे होते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, और आप इसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी बुलाते हैं, जो कि क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब उनकी खुद की अपनी कोई लाइट नहीं होती, जबकि वो किसी दूसरे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट, जैसे कि मून। अगला है लाइन ऑफ साइट। अ लाइन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और इमेज टू योर आईज, लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग दिस लाइन टू योर आई। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है ऑब्जेक्ट की या फिर इमेज की जो कि आपके आईज में आती है। देखते हैं, इसको डिटेल में जानेंगे, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ पाएंगे। ये देखिए, ये होता है आपका लाइन ऑफ साइट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो चाहे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो, वो क्या करते हैं, वो एमिट करते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को काफी सारे डायरेक्शन में। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर लाइट जाके टकराएगी और रिफ्लेक्ट होगी काफी सारे डायरेक्शन में। आपकी जो आई है वो केवल छोटा सा पार्ट उसका, डाइवर्जिंग कोन ऑफ रेज का, उसी को मतलब केवल अपने पास ले पाती हैं और उसको देख पाती हैं, सारी की सारी चीज नहीं देख पाती हैं। और जो वो चीज देख पाती हैं उसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। जो आपकी आंखों के सामने चीज होती है आप उसी को देख पाते हो, उसको कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट। अब इसमें जानते हैं रेज ऑफ लाइट के बारे में। देखिए, इसमें वैसे तो रिफ्लेक्शन में केवल दो ही रेज होती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे कौन सी है? जो कि ऑब्जेक्ट से जाके छूटती है और टकराती है किस पे? मिरर पे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है? जो मिरर को छोड़ के आपकी आईज पे टकराती है। तो आप यहां पर देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां से रे ऑफ लाइट आती है पहले, जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, वो टकराती है एक पॉलिश्ड मिरर से, और टकराने के बाद वो वहां से रिफ्लेक्ट होती है, जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और आपकी आई उसको रिसीव करती है। पीछे की तरफ उसकी एक इमेज बनती है। अगर आप देखेंगे इस तरफ, अगर ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज कीजिए इस तरफ आपका कोई दोस्त खड़ा है और आप इस तरफ खड़े हैं, तो आप अगर ऐसे करके मिरर में देखोगे तो आपको आपका दोस्त लगेगा कि वो कहीं मिरर के अंदर खड़ा हुआ है, और उसको लगेगा कि आप कहीं मिरर के इस तरफ अंदर खड़े हुए हैं। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ये लाइन ऑफ साइट पर होती है, फ्रॉम द इमेज टू योर आई। अगला देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो इक्वल होगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये एक्सपेरिमेंट आप भी करके देख सकते हो, जहां पे आप एक मिरर लगाने के बाद में यहां पे सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, एक लाइन होती है जिसको आप 90 डिग्री पे यहां से ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद एक आप एंगल लीजिए जिसपे ऑब्जेक्ट को रखिए, और आप आई से देखिए उसकी इमेज ऐसे करके बनेगी। जब आप इमेज को लेके और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बाहर की तरफ खींच लेंगे तो आप देखेंगे कि ये एंगल इसके बराबर होता है, जो इस लॉ को क्या करता है, वेरीफाई करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगला है नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस। ये मैंने बताया था आपको कि ये क्या होती है, मिरर सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं, 90 डिग्री पे बनी हुई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको आप थीटा आई कह रहे हैं, और थीटा आर जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये हमें मालूम है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के, और ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं, जबकि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये जो है यहाँ पर, ये एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। वैसे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल है यहाँ पे, और ये वाला एंगल है, और ये दोनों सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये क्या है, थीटा आई इक्वल टू थीटा आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, आप एनिमेशन में देख सकते हो। इसको हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहां पर ये देखिए, ये क्या है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, या जो किस पे होता है, स्मूथ सरफेस पे, जो लाइंस आती हैं वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं और एक दूसरे के साथ पैरेलल ही रहती हैं। बट यहां पर देखिए, पैरेलल इंसिडेंट रे आई, बट टकराने के बाद वो डिफ्यूज डायरेक्शन में चली गई। ये किस वजह से होता है, रफ सर्फेसिस की वजह से ऐसा होता है। यहां पर आप और भी देख सकते हैं, यहाँ पे रफ सर्फेसिस है, वहां पर आप देख सकते हो कि ये इधर उधर रिफ्लेक्ट होके आपका लाइट जा रही है, बट ये क्योंकि सरफेस रफ है, इस
वर्चुअल इमेज है, पहले एक मिरर लगा हुआ है, उसके आगे ऑब्जेक्ट है और उसका जो वर्चुअल इमेज है वो पीछे की तरफ बन रहा है। ये डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट को मिरर के अंदर देख पा रहे हैं, उनके सामने क्या आ रही है इसकी एक वर्चुअल इमेज, उनको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अंदर रखा हुआ है, जबकि ऑब्जेक्ट सच में सामने रखा हुआ है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ रखा हुआ है। तो एन इमेज इज अ पोजिशन इन स्पेस फ्रॉम विच ऑल रिफ्लेक्टेड लाइट अपीयर्स टू डाइवर्स, जहां से क्या लगता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, वहां से फैल रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो फैल रही है और इनकी लाइन ऑफ साइट में आ रही है। इमेज जो फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो हमेशा वर्चुअल होती है, मतलब वो झूठी इमेज होती है, आपको लगता ऐसा है कि वो इमेज जो है वो रियल है, मतलब उसके पीछे कोई है, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है। आपने कहानी तो सुनी होगी डॉगी वाली, जिसमें डॉग जो है वो एक रिवर में देखता है, उसको लगता है कि एक दूसरा डॉग है जिसके पास भी क्या है, एक हड्डी है, और वो उसको लेने के लिए अपनी हड्डी छोड़ देता है और आगे झपटता है, लेकिन उसकी खुद की हड्डी भी नदी में गिर जाती है, क्योंकि जो इमेज उसको दिख रही थी वो एक वर्चुअल इमेज थी ना कि रियल। आपके सामने ये है कि वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड इन रीजंस वेयर देयर इज एक्चुअली नो लाइट, तो एक्चुअली में मिरर के पीछे कोई लाइट नहीं होती, आपको भी मालूम है। अब हम देखते हैं इमेज लोकेशन, अ मल्टीट्यूड ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द, तो यहाँ पे ये मल्टीट्यूड ऑफ लाइट रेज एक फ्रॉम सोर्स से आ रही है और फिर ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, यहाँ से जो इमेज है वो क्या है, लोकेशन है जहाँ पे ये वो होती है, मतलब जाके पीछे मिलती हुई आपको दिखती है, मतलब ये डिस्टेंस भी आपका क्या रहेगा पीछे आगे का एकदम सेम। आगे देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनी है वो वर्चुअल है और वो उतनी ही पीछे होती है जितनी आगे ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और इमेज का वो हमेशा क्या रहेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। हाउ बिग मस्ट द मिरर बी, मिरर कितना बड़ा होना चाहिए अगर आपको पूरी इमेज अपनी देखनी है, तो आप ये देखिए ये मैन है और उसकी ये पीछे इमेज है, उसके सामने ये मिरर है, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से हमें मालूम चल रहा है कि इतना बड़ा कम से कम मिरर होना चाहिए, मिरर का पीस इतना पोर्शन पोर्शन ऑफ मिरर नीडेड टू व्यू द इमेज, तभी उसको पूरी इमेज जो है वो दिख पाएगी। ऐसे करके हम ये देखते हैं जो उसका आई साइट होता है उसको हमें देखना होता है, ये देखिए यहां से क्या करते हैं, जो उसका आई पॉइंट होता है उस आई पॉइंट से वो खींचते हैं और कहां तक की आपको इमेज देखनी है वहां से एक लाइन खींचते हैं, कहां पर, जहां इमेज बन रही है मतलब उतने ही डिस्टेंस पर पीछे, जो जहां पर भी वो मिल जाएगी ऐसे करके हम देखते हैं, और बीच में हमारे मिरर पर दो पॉइंट हमें मिलने वाले हैं, ये दो पॉइंट जो है ये इतना बड़ा कम से कम हमें मिरर चाहिए तभी वो दिख पाएगा, तभी उसकी उतनी बड़ी इमेज बन पाएगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे बस हमारे पास एक दो स्लाइड और हैं। डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इररेलीवेंट, मतलब आप कितनी दूर खड़े हैं मिरर से ये बिल्कुल इररेलीवेंट है। यहां पर एक इंसान क्लोज खड़ा है मिरर से, एक इंसान दूर खड़ा है, मतलब कहने का ये, आप ये नहीं कह सकते कि यार अगर मैं पास में जाके खड़ा हो जाऊं तब क्या मुझे मिरर बड़ा चाहिए, नहीं, तभी भी आपको उतना ही बड़ा मिरर चाहिए, आप पास खड़े हो जाइए आप दूर खड़े हो जाइए, हाँ आपकी जो हाइट है वो जरूर मैटर करेगी, अगर आप छोटे हो तो आपको उतना बड़ा मिरर नहीं चाहिए अपनी इमेज देखने के लिए, पूरी इमेज देखने के लिए, लेकिन अगर आपकी हाइट जो है काफी ज्यादा है तो आपको बड़ा इमेज, क्योंकि ये हाइट जो है ये वेरी नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस वेरी हो सकता है, डिस्टेंस इसमें मैटर नहीं करता है। आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से हम देख लेंगे, यहां से हमारी ये बन रही है इमेज ऐसे करके, तो ये जो है ऐसी दूसरे की इमेज बन रही है, इन दोनों को जो हम मिलाते हैं उसके आई पॉइंट से इमेज को, इमेज का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, तो हमारे पास दो पॉइंट आते हैं और ये दो पॉइंट जो हैं वो क्या हैं, इतना बड़ा आपको कम से कम मिला।